साल 2022 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को लगेगा। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भागलपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रेस वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी है। जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुल वीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोगों की सुविधा को पहुँचाने के लिए 15 बेंच की जगह 17 बेंच पर केस का निष्पादन होगा। वहीं 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 1 बेंच कहलगांव कोर्ट में भी बनाया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अनुमति से मैं आप लोगों को ये ब्रीफ दे रहा हूँ। मैं सचिव DLSA भागलपुर की ओर से आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत जो आगामी 12 मार्च को होने जा रही है, इसके लिए हमारे सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष नालसा की ओर से कुल 4 नेशनल लोक अदालत होनी है, जिसमें एक 12 मार्च को है, दूसरी 14 मई को और तीसरी 13 अगस्त को और चौथी 12 नवंबर को की जानी है। हमारे यहाँ से इसके लिए सारी तैयारियाँ की जा चुकी हैं, सारे पक्षकारों को नोटिस निर्गत की जा चुकी है और प्री लिटिगेशन के जो केसेस थे वो लगभग 26,800 हैं और 1483 केसेस पोस्ट लिटिगेशन के लिए आइडेंटिफाइड किए गए हैं। भागलपुर में कुल 17 बेंचें तैयार की गई हैं। हम अक्सर 15 बेंच ही बनाते थे, इस बार हमने 17 बेंचें बनाई हैं और 6 बेंच हमने बनाया है नौगछिया में, 1 कहलगांव में। और इस बार हमने अपने जो नए न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी बेंच में लगाया है, जिससे वो लोग भी कार्य को सीखें, थोड़ा अनुभव प्राप्त हो। और इसके संदर्भ में और जो भी पक्षकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सूचना दी गई है। BSNL के केसेस हैं, बैंक के केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडर केसेस हैं, फैमिली कोर्ट के केसेस हैं, इसमें जो भी और सारे केसेस हैं, सब तरह के विवादों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चिन्हित किया गया है, जिससे हम लोग आगामी 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डिस्पोजल कर सकें। बता दें कि लोक अदालत में मुकदमा पूर्व वाद एवं न्यायालय में लंबित वाद का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना और श्रम विवाद आदि से जुड़े मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के बीच सुलह के आधार पर किया जाएगा। जिला जज सह भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के निर्देशन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग 8 मार्च को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा हनीफुर रहमान में पारित किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट में, जिसमें हमारे सारे न्यायिक पदाधिकारी और बिहार सुप्रीम जुडिशियल सर्विस के ऑफिसर और बिहार जुडिशियल सर्विस के ऑफिसर सर्विसेज के कहलगांव नगछिया के सारे ऑफिसर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। CWC के लोग आएंगे, क्रिमिनल जस्टिस बोर्ड के मेंबर आएंगे और सुप्रिंटेंडेंट जो आपकी बालिका गृह के उनको बुलाया जा रहा है। उसमें मेन हमारा पर्पस है कि इमोरल ट्रैफिकिंग जो होती है उसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उससे संबंधित जो कानूनी जानकारियां हैं उससे लोगों को पहुंचाया जा सके और उसमें पास्को से संबंधित कानून है, JJAct से संबंधित जो कानून है उसके बारे में हम लोग आगामी 8 मार्च को सिविल कोर्ट परिसर में एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके संदर्भ में तैयारियाँ पूरी की जाएंगी, आम लोगों तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, आम जानकारी पहुँचेगी और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, प्रचार प्रसार माध्यम से जन जन तक इसको आप लोग पहुँचाएँ, इससे लोगों को जानकारी हो। PLVs को हम अपने बुला रहे हैं, पहले एडवोकेट्स को बुला रहे हैं, जिससे उनको जब इसके बारे में जानकारी होगी तो दूर दराज तक जो भी लोग हैं उनको इसकी जानकारी वो विधिवत दे सकेंगे। लोक अदालत में अपने वादों को परस्पर वार्ता के आधार पर निष्पादन के इच्छुक व्यक्ति डालसा भागलपुर के अलावा नवगछिया और कहलगांव कोर्ट कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।